अरवल जिले के करपी प्रखंड के खजरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर में है मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव। एक पगडंडी के सहारे बच्चे स्कूल तक जाते हैं। यहाँ पर तो सबसे प्रथम समस्या है कि आने जाने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत है, साथ ही साथ शिक्षक को भी दिक्कत होता है। बच्चे की दिक्कत है तो शिक्षक के नहीं होगा। और दूसरा है कि स्कूल में बाउंड्री वगैरह ये सब नहीं है तो बच्चा इधर उधर भाग जाता है, ये भी समस्या है। घर से निकलता है, पानी पड़ जाता है तो रास्ता में खिचड़ी होता है, पानी पर गिर जाते हैं। और स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो लड़कन भाग जाता है, खिड़की में बस्ता गिरा लेता है, पानी के बहाना भाग जाता है। अच्छा खाना नहीं बनता, दाल भी बनता है तो ऊपर से पानी डाल देते हैं। यही लड़कन के स्कूल में पढ़े जाए तो बहुत दिक्कत हो गई, फूर्ति आवल है, कोई गिर है, कोई नली में फार हो, बहुत दिक्कत है, नलियों न है और रास्ते न जाके तकलीफ है। रास्ता कैसा है वहाँ पे? कच्ची है। और स्कूल में और क्या क्या दिक्कत है? स्कूल में पे खाना न है, लड़कन के चापा करना है और कुछ न। कितने बच्चे आपके गांव के आते हैं पढ़ने यहाँ पे? यहाँ करीबन 250 लड़कन आते हैं। यहाँ पे कोई प्रयास आप लोगों ने किया? प्रयास तो किए हैं सर। क्या प्रयास किए हैं? हम लोग मुखिया के यहाँ बोले हैं कि रास्ता चाहिए। तो वहाँ से क्या आपको जवाब मिला, कोई आश्वासन मिला ऐसा? आश्वासन ये मिला है कि बन जाएगा। कितना दिन पहले आप मुखिया जी के यहाँ गए थे? करीबन 2 महीना हो गया सर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए पंचायत के मुखिया अभिषेक रंजन जी के मोबाइल नंबर 97 71 90 93 13 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि यहां रास्ता बन सके और स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। मैं एफएम जफर इकबाल, ग्राम गाजीपुर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।